बिहार के सीवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीवान में ईडी ने जमकर छापेमारी किया है। लगभग 8 घंटे तक छापेमारी चला है, पूरे गांव में इस मामले में हड़कंप मच गया है। खबर सीवान जिले के पचरुकी थाना क्षेत्र के जसौली के मान सिंह के टोला में नारायण सिंह के घर पर दर्जनों की संख्या में ईडी के अधिकारी ने छापा मारा है। बताया जा रहा है कि नारायण सिंह के पुत्र अविनाश कुमार सिंह अप्रैल में दुबई की एक निजी कंपनी में काम करने गया था। अप्रैल से लेकर अब तक उसके अकाउंट में 2 करोड़ से अधिक रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है। अकाउंट पर हो रहे संदिग्ध ट्रांजेक्शन के बाद ईडी की नजर पड़ी। अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान नारायण सिंह के पूरे परिवार को एक जगह बैठा लिया, सबका मोबाइल अधिकारियों ने लिया था। छापेमारी के दौरान घर में एक ही कागज, डॉक्यूमेंट, मोबाइल, सभी सदस्यों का बैंक पासबुक, बैंक में हुए ट्रांजेक्शन आदि का जाँच किया। जाँच के दौरान पाया गया कि अविनाश ने पचरुखी बाजार स्थित कुछ साइबर कैफे वाले के खाते में पैसा भेजा है। उसके बाद अधिकारियों ने आधा दर्जन साइबर कैफ वाले से पूछताछ किया। पूछताछ के दौरान सभी साइबर वाले कैफ बैंक का ट्रांजेक्शन आदि की जांच की गई। सभी साइबर कैफ में भेजे गए पैसे आदि का भी जांच किया गया। इसके साथ ही अविनाश ने भाभी के खाते पर 40 लाख रुपये भेजा था, जिसके बाद उसके भाभी खाते को भी सील कर दिया गया है। छापेमारी करने पहुंचे ईडी के अधिकारी ने पत्रकारों से बात करने से कतराते हुए कहा कि करीब 8 घंटे तक छापेमारी किया गया है। ईडी ने एक वरीय पदाधिकारी को जानकारी दी कि यह छापेमारी विदेश में हो रहे संदिग्ध पैसे के लेन देन में की गई है, जरूरी कागजात आदि को लेकर जब्त किया गया है और इस पर अभी जाँच की जा रही है। पूरी बताया जा रहा है कि अप्रैल से लेकर अभी तक 2 करोड़ का रुपया का लेन देन हुआ है। परियों ने जब बात करने की कोशिश की तो परियों ने पत्रकार से बात करने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि छापेमारी की सूचना स्थानीय पुलिस को भी नहीं थी।